नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं बेब इंडिया न्यूज, जहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। मनीष कश्यप की आज बिहार के बेतिया कोर्ट में पेशी हुई, उसे तमिलनाडु से कड़ी सुरक्षा के बीच बेतिया लाया गया। बेतिया में समर्थकों ने मनीष कश्यप का स्वागत किया, इस दौरान फूल भी बरसाए गए। मनीष कश्यप तमिलनाडु के मदुरई जेल में पिछले कई महीनों से बंद थे। दरअसल बेतिया लाने के बाद काफ़ी संख्या में मनीष कश्यप के समर्थक स्टेशन पहुंच गए थे और समर्थन में नारा लगाने लगे, रिहाई की मांग करने लगे। यहां तक कि मनीष कश्यप के ट्रेन से उतरते ही उस पर फूल बरसाए गए। इन सबके बीच किसी तरह पुलिस मनीष कश्यप को लेकर एसपी कार्यालय पहुंची। मनीष कश्यप का परिवार उससे मिलने के लिए पहुंच गया। बेतिया कोर्ट में मुलाकात भी हुई। इसको लेकर वेब इंडिया न्यूज के संवाददाता ने मनीष कश्यप के भाई करण से बात की। मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने बताया कि बेतिया कोर्ट में मनीष से मिलने के लिए वो अपनी माँ के साथ पहुँचे थे। वे लोग पहुँचे तो मनीष कश्यप इमोशनल होकर रोने लगे, माँ की आँखों से भी आंसू गिरते रहे। करण भी रोने लगे तो मनीष कश्यप ने समझाया, कहा कि क्यों रो रहे हो, मैं जेल में हूं और कोर्ट के बाहर तुम्हारे सैकड़ों भाई मुझे देखने के लिए बाहर खड़े हैं। तमिलनाडु की पुलिस मनीष कश्यप से कैसा बर्ताव करती है, इस सवाल पर मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने बताया कि उसने बताया कि अच्छा बर्ताव करती है। वहीं मनीष कश्यप के परिजनों ने कहा कि बेतिया ही नहीं बल्कि बिहार के किसी भी जेल में मनीष कश्यप को रख दें। हालांकि करण कश्यप ने जानकारी दी कि मनीष कश्यप को पटना के बेऊर जेल में रखा गया है। बता दें कि मनीष कश्यप को बिहार के मजदूरों की कथित पिटाई का वीडियो गलत तरीके से बनाकर वायरल करने के आरोप में मदुरई जेल में रखा गया था। उस पर बेतिया में कई मामले दर्ज हैं, उसी में से एक मामला पेशी के लिए लाया गया था। मंगलवार को अब पटना कोर्ट में पेश होना है। पटना में भी केस दर्ज है। चंपारण से ब्यूरो रिपोर्ट, शशिकांत गिरी की खास रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण बेतिया न्यायालय में उपस्थित हुए थे। मनीष कश्यप तस्वीर आप देख रहे हैं, बताई है काफ़ी संख्या में लोग जाते उतरे हुए हैं। आज हजारों हजारों की संख्या में लोग आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में मनीष कश्यप के प्रशंसक हैं, दीवाने हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी संख्या में लोग हैं। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहाँ आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहाँ कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहाँ जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नैरानापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।
बिहार का लाल है, बिहार का बेटा है, मनीष कश्यप बिहार का वाजिदा है, क्यों नहीं रहेगा?
कोर्ट वाले भी मिलाई सोचोगे कि इतने लोग अंदर आएंगे कोर्ट में एक साथ।